बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हमारा लेक्चर है वो है टेबल के बारे में है। टेबल आज से कुछ अर्सा पहले जब डीव टैग नहीं बना था, एक डीव एक और टैग है जिसमें अब काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें CSS यूज़ होती है डीव टैग। तो इससे पहले जितनी भी वेबसाइट बनती थी वो टेबल के अंदर बनती थी। तो जब टीव टैग आ गया तो उसके बाद टेबल का जो टैग था वो वेबसाइट बनाने में तो कम यूज़ हुआ, लेकिन जो फिर भी इसके जो मुख्तलिफ जगहों पे टेबल आज भी यूज़ होता है और तकरीबन हर वेबसाइट में कहीं ना कहीं हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो आज हम जो टेबल के बारे में पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टैग है टेबल का, वो इसका जो टैग नेम है वो टेबल ही है। टेबल बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं टेबल, और यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक, अब आते हैं कि हमने टेबल में सबसे पहले रो बनानी होती है। टेबल रो बनाने के लिए हमें टैग यूज करना होता है TR, और यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। टेबल रो तो बना दी लेकिन इसमें कुछ शो नहीं होगा। शो करने के लिए हमने टेबल डाटा ऐड करना होगा, और इसको हम कॉलम ही कहते हैं। टेबल की जो कॉलम है वो बनाने के लिए, इसके लिए TD का टैग यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने टेबल का टैग लगाना है, उसके बाद TR का टैग लगाना है। TR को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास एक रो बन गई है और इसमें एक सेल बन गया है हमारे पास। इसको मैं तकरीबन मजीद और सेल इसमें ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमने ये सेल तो बना दी, लेकिन अभी सेल में कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे हम ले देते हैं कोई भी स्कूल रिजल्ट के हम बना लेते हैं। टेबल बना लेते हैं क्लास मार्क्स, और यहाँ पे ले देते हैं शुरू में नेम, क्लास और मार्क। टेबल का टैग जो हम बनाएंगे उसमें हम जो टैग यूज करेंगे उसमें सबसे पहले टेबल लिखेंगे और टेबल को क्लोज करेंगे। उसके बाद हमें TR का टैग लगाना है। ठीक है, तो टेबल का जो ये टेबल रो को शो करता है। टेबल रो मैं आपको यहाँ पे पेंसिल होगी मेरे पास, कोई भी जब हम टेबल बनाते हैं तो हमारे पास टेबल इस तरह का आता है। ठीक है, और अब जब इसमें हम ये हमारे टेबल है इसमें हमने पहले रो ऐड करनी है, ये हमारा TR हो गया। और इसमें हमने जब जो टेबल डाटा ऐड करना है वो हमारा ये TD। ठीक है, ये हमारे सेल हो गए, इनको कॉलम भी कहते हैं। तो ये एक जो हमने अभी ये लिखा है तो हमारे पास एक टेबल रो आ गई है, और इस तरह हम मजीद इसमें रो ऐड करेंगे। तो अभी मैं ये अभी मैंने टेबल डाटा बनाया है और इसमें ये सेल के नाम लिखे हैं जिनमें जो टेबल डाटा है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि हमारे पास ये कैसे शो हो रहा है। और ये तो हमारी एग्जांपल थी। ये कौन सी फाइल है, टेबल डॉट HTML। मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ। और यहाँ पे इसका नाम भी चेंज करता हूँ, टाइटल। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल आ गई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें शो हो रहा है, यहाँ पे इसमें कोई भी इसमें बॉर्डर वगैरह शो नहीं हो रहे। बॉर्डर करने के लिए छोटा सा हम कोड लगाएंगे यहाँ टेबल में, बॉर्डर और बराबर है, इसको हम मन कर देते हैं। आप ज़्यादा लगाएंगे तो उसका जो है ज़्यादा हो जाएगा उसका साइज।
लीजिए, 5 लीजिए ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मली हम एक ही ले देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह इसका साइज बड़ा हो जाएगा। हमारे पास टेबल आ गया। और अच्छा, अब ये हमने एक टेबल बना लिया, हम इसमें मज़ीद अब टेबल ऐड करते हैं। टेबल जो रो है इसमें ऐड करते हैं। सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक और आ गया और एक और आ गया। तीन हमने रो बना दिए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब हम इसको हम नाम यहाँ पे ले देते हैं। यहाँ पे मैं अली ले देता हूँ, और क्लास जो थी इसकी 9th ले देता हूँ, और मार्क्स इसके मैं 95 ले देता हूँ। और इसी तरह यहाँ पे मैं ले देता हूँ असलम। क्लास इसकी मैं ले देता हूँ 8, और मार्क्स इसने हासिल किए हैं 90। ठीक, ये हमारे पास टेबल आ गया। ऊपर जो है ये हमारी हेडिंग हो गई, और ये हमारे आगे का जो है मुझे टेबल वो आ गई है। लेकिन हेडिंग के लिए जो टैग यूज होता है वो एक और टैग यूज होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। हेडिंग के लिए TH का टैग यूज होता है। TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। ये देखें, ये मुझे बोल्ड हो गया इसमें, और हमारे पास इतना शो हो गया। अच्छा, इसमें मजीद चीजें जो हम इसमें देखते हैं हमारे पास हैं, टेबल हेड भी हो गया और टेबल रो भी हमने पढ़ लिया, टेबल डाटा भी पढ़ लिया हमने। कैप्शन है, कैप्शन होता है टाइटल होता है इसका टेबल का। कैप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये कैप्शन इसको हम क्लोज भी करते हैं। यहाँ पे हम इसका ले लेते हैं कैप्शन रिजल्ट। ये इसका कैप्शन आ गया। अच्छा, अब इसके हम इसको थोड़ा सा इसके CSS यूज करते हैं। CSS के लिए यहाँ पे अगर हम इसका बैकग्राउंड इमेज लाना चाहें तो इसके लिए बैकग्राउंड लिखेंगे, और यहाँ पे सिंपली इमेज का नेम लेते हैं। मेरे पास हैं कुछ तस्वीरें, ये वाला यूज कर लेते हैं। नाम है लिखा vg.1.jpg, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। तो हम चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये देखें, ये इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। इसकी थोड़ी सी मैंने वेट भी ज़्यादा कर देता हूँ, wid, और इसको 100% मैं कर देता हूँ वेट इसकी, यानी कि जितना इसका पेज होगा वहाँ तक ये जाएगा। परसेंटेज में आपको पता है कि जो पूरा पेज है उसके 100% ही जाएगा। आप इसका साइज पिक्सल में भी कर सकते हैं, 500 600 तक भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया, इसका जो क्या नाम है बैकग्राउंड इमेज के साथ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे अली और असलम ये हैं, क्या नाम है, लेफ्ट साइड पे हैं। इनको हम सेंटर में करते हैं। इसके लिए TR पे हम जाएंगे, यहाँ पे CS का कोड यूज करेंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। और यहाँ पे भी इसका सेंटर, ये भी सेंटर। हाँ अच्छा, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये हेडिंग के तौर पे यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर में आ गया।
अच्छा एक चीज इसमें एक बात है, रोज टाइम और पास टाइम। रोज टाइम और पास टाइम में ये होता है कि अभी तो ये अलग अलग सेल है, लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि ये दोनों सेल एक आपस में मर्ज हो जाएं, तो उसके लिए हम कॉलम स्पेस स्पेन यूज करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये दो जो है ये मार्क्स और आईटी पर ये आपस में मर्ज हो जाएं, तो उसके लिए रोज टाइम यूज करेंगे। इसको हम किस तरह करते हैं, इसके लिए हम नया बना लेते हैं। हाँ ठीक है, तो उसके लिए हम ये करेंगे, इसके लिए एक नया बनाएंगे। टेबल हेड बनाते हैं, टेबल हेड नहीं बल्कि हाँ टेबल हेड बनाते हैं। और यहाँ पे हम ले देते हैं रिजल्ट। नहीं, ग्रेड ग्रेड ले देते हैं, ग्रेड। और यहाँ पे इसको तो ये हमारे पास ग्रेड आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सेल लाओ आई जो दोनों का ग्रेड शो करे। उसके लिए मैं यहाँ पे अली वाले जो पहली रो है यहीं पे मैं ले देता हूँ टीडी, और यहाँ पे तो क्लोज करते हैं। और यहाँ पे मैं लेता हूँ ए प्लस ले देता हूँ। अभी सिर्फ अली के साथ आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये दोनों के साथ आ जाए, तो इसके लिए हम टैग यूज करेंगे रोज पैम का। ये रोज पैम है और यहाँ पे बराबर है, अगर तो सेल एक दो है तो यहाँ पे हम दो लिखेंगे, अगर सेल जो कॉलम है हमारे पास वो तीन है तो यहाँ पे तीन लिखे। अभी मैंने दो लिखा है, दो इसको चेक करते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास दोनों साइड पे आ गया। मैं फिलहाल इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा इसमें मसला ना आया। ठीक है, ये आपके सामने शो हो गया कि दोनों पे आ रहा है। अब एक चीज हम यहाँ पे नीचे भी एक लाइन ऐड करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि एक नया बनाएंगे टी आर टेबल रो बनाएंगे, और ठीक है, और इसको इसमें टेबल डाटा ऐड करते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा बस फिर ये एक ही जो इसमें कॉलम है जो इसमें रो है ये सारी सारी सबके नीचे आ जाए, एक ही है सिर्फ। तो यहाँ पे मैं कुछ भी देखता हूँ कि रिजल्ट ठीक, अभी हमारे पास इस तरह शो हो रहा है। मैं अब चाहता हूँ कि इसके नीचे भी आ जाए। इसके लिए हम जो यूज करेंगे टैग होगा वो कॉल टाइम है, पहले हमने रोज टाइम का किया था ऊपर से नीचे, और ये अब ये नीचे से ही आ करेगा। अब फिलहाल मैं इस तरह करता हूँ, तीन यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि तीन जो कॉलम ड्राइन के नीचे आ जाए। तो ये तीन कॉलम के नीचे आ गया, एक और रह गया, तो इसके लिए मैं चार लगा देता हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास चार जो है सेल्स के नीचे ये हमारे पास आ गया। इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, इसके लिए कोड मैंने लगाया था पहले भी, टेक्स्ट लाइन सेंटर वाला ये टी आर में लगा देते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारा टेबल बन गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसमें जो एचटीएमएल ये फॉर है के मुताबिक मैंने किया, अब मैं एचटीएमएल फाइव के मुताबिक थोड़ी सी इसमें एडिटिंग एडिंग करूँगा। एचटीएमएल फाइव में मज़ीद कुछ ये टैग भी होते हैं, टेबल हेड टेबल बॉडी टेबल फुट। टेबल हेड में क्या होता है कि जो हमारा टेबल हेडिंग है, मिसाल के तौर पर हमारी ये हेडिंग है, ये हेडिंग इसमें हम ये कोड ऐड कर देंगे। इस तरह टेबल बॉडी में हमारे पास जो है ये हमारी टेबल बॉडी है और ये हमारा टेबल फुट फुट है जो हमारा फुटर है। तो
बेसिकली नॉर्मली तो अगर हम इसमें ये ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो असल मकसद है ऐड करने का वो इसमें CSS से अप्लाई करने का है। मैं इसको ऐड भी कर देता हूँ, थोड़ी सी इसके CSS भी अप्लाई कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं किस तरह से करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ये टेबल हेडिंग है, इसमें हम ये टेबल हेड का टैग यूज करते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा टेबल हेड है। ठीक, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे फर्क अब कोई भी कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन मैं अब इस पे एक CSS अप्लाई कर देता हूँ। टेबल हेड में यहाँ पे मैं इसे लगा दे कोई भी कलर ऐड कर देता हूँ, स्टाइल यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर कलर इसको हम दे देते हैं ऑरेंज देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो हेडर था उसका कलर चेंज हो गया। बॉडी का कलर हम चेंज करेंगे, तो बॉडी हमारी शुरू होती है यहाँ से, टी बॉडी को यहाँ से लेकर ये भी पहली रो है हमारे पास, ये दूसरी रो है, इसके नीचे तीसरी रो पे हम इसको ऐड करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टेबल बॉडी थी, जहाँ पे हमने लड़कों के नाम लिखे हैं, उनके मार्क्स वगैरह लिखे हैं, तो हमारी टेबल बॉडी थी। इसको क्लोज भी करता हूँ। यहाँ पे भी हम कोई कलर ऐड कर देते हैं, आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, आप कलर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और स्टाइल हम बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे हम इसको कलर दे देते हैं येलो। तो ये हमारे पास येलो कलर आ गया। इसी तरह हम टेबल जो फुटर है उसका भी हम चेंज कर लेते हैं। टेबल फुटर हमारा ये है नीचे वाला, इसको हम टेबल फुटर बना लेते हैं। इसका जो है हम कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर कलर हम जो इसमें ऐड करें जो ऊपर वाला है हेडिंग वाला है वो ये इसमें ऐड कर लेते हैं, या इस तरह कर लेते हैं ग्रीन कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारे साथ गलती हुई है, हमने टेबल बॉडी में इसको ऐड किया गलती से, हमने टेबल फुटर में इसको ऐड करना था। तो ये हमारे पास शो हो गया। इसी तरह हम टेबल का जो है बैकग्राउंड कलर वो भी देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका पहले स्टाइल लिखेंगे हम, स्टाइल और बैकग्राउंड कलर, कलर इसका हम रेड कर देते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड का जो बॉर्डर था इसका कलर चेंज भी हो गया, इसको ब्लू करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड जो बॉर्डर है ये चेंज हो गया। और ऊपर ये कैप्शन है, कैप्शन का भी हम इसको कर देते हैं चेंज बैकग्राउंड कलर इसका। यहाँ पे हम दे देते हैं ऑरेंज व्हाइट ग्रीन येलो पर्पल, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी ये जो टेबल बन गया विद कलर, ये इसकी हेडिंग है और ये इसकी क्या कहते हैं कि टेबल बॉडी है और इसका फुटर है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो
काफी हद तक। ठीक है, और नेक्स्ट जो अब हम जाएंगे रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं, यहाँ पे है हमने नेक्स्ट यूज करना है आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम होता है कि हमने अपनी वेबसाइट में किसी और वेबसाइट को शो करना, कोई और पेज शो करना, कोई और वेबसाइट शो करना। उसके लिए हम सिंपल सा कोड है, आई फ्रेम लगाएंगे, सोर्स लिखेंगे, यूआरएल देंगे या पेज का नाम देंगे और आई फ्रेम बंद कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। न्यू फाइल बनाते हैं, आई फ्रेम का नाम दे देते हैं। फॉर्मेटिंग में खत्म करो। और स्टार्ट करते हैं आई फ्रेम इसका जो सोर्स है, यहाँ पे हम यूआरएल लगाएंगे और यहाँ पे तो यूआरएल में हम ऐड कर देते हैं हमारी वेबसाइट है और फॉरम है हमारा HTTP आप लिखना और ये साथ स्लैशेज भी लगानी ताकि ना जो आपका रिजल्ट है वो सही आए, नहीं तो मसला आ जाएगा। ITSuper.info भी है हमारी वेबसाइट है, ITSuper.pk भी है, जितने हमारे इंशाल्लाह फ्यूचर जितने भी लेक्चर होंगे वहाँ पे आएंगे। तो इसको आप चेक करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये भी इसका साइज और वेट कम है, हम इसको ज़्यादा करते हैं इसकी वेट और हाइट को, वेट कर लेते हैं 600-900 कर लेते हैं और हाइट कर लेते हैं हम इसकी 600 कर लेते हैं। अब इसको हम चेक करते हैं, तो ये देखें हमारे जो पेज में दूसरी वेबसाइट शो हुई। अक्सर वेबसाइट होती है जो हम चाहते हैं कि इसको वो शो करें अपनी वेबसाइट पे या उसको कोई भी पेज शो करें, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। ज़्यादातर पहले ये होता था SMS, फ्री SMS के लिए कोई वेबसाइट होती थी तो लोग उनको डायरेक्टली अपने पेज पे शो कर लेते थे। ठीक, तो ये हमारे पास जो हमारा आई फ्रेम आ गया। अब इसका ये बॉर्डर शो हो रहा है, बॉर्डर के लिए हम इसका ये कोड लगाएंगे, स्टाइल लगाएंगे बॉर्डर नॉन का। यहाँ पे हम इसको स्टाइल दे सकते हैं, स्टाइल यहाँ पे क्या करती हूँ, अच्छा स्टाइल ऑर्डर ये ठीक है। अभी बॉर्डर शो नहीं हो रहा, एल पी जो आता था बॉर्डर शो नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास वेबसाइट है इधर में है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट वगैरह पे। इसको इसी तरह हम अपने कोई भी जो वेबसाइट का पेज है उसको भी इसी तरह शो कर सकते हैं, जिस तरह अभी हमने टेबल वाला बनाया है table.html। यहाँ पे क्या वजह है मैं देखता हूँ, इसको दोबारा ओपन करते हैं। ये स्क्रीन है ठीक है, ये हमारे पास शो हो गया पेज आई फ्रेम के अंदर। इसका बॉर्डर मैं खत्म करके आप दिखाता हूँ। ये बॉर्डर हमारे पास आ गया है,
और इसका आइसक्रीम ठीक है ठीक है। तो ये हमारा आइसक्रीम ट्रे था, इसमें हम किसी दूसरी वेबसाइट को भी ऐड कर सकते हैं, अपनी पेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। तो ओके आज का ये हमारा लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा होगा फॉर्म्स के बारे में होगा, और उसके बाद जो अगला लेक्चर हमारा होगा वो HTML फाइल के जो नए हैं एलिमेंट्स आए हैं उनके बारे में डिस्कस होगी, जो हमारी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ही लाजमी होंगे, और उन्हें भी हम CSS अप्लाई करके फिर वेबसाइट बनाएंगे। रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूँ।